हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर में अपन ने बात की थी इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट जैविक घटक की। आज अपन बात करते हैं इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट की। एबायोटिक कंपोनेंट अजैविक घटक, इकोसिस्टम के अजैविक घटक में वातावरण के सभी निर्जीव पदार्थों को शामिल किया गया है। यह भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सेकंड है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और थर्ड है क्लाइमेटिक फैक्टर। अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, और थर्ड है जलवायवीय कारक। सबसे पहले बात करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण कार्बनिक पदार्थों के द्वारा होता है। इसके अंतर्गत कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि तत्व आते हैं। इसी प्रकार से ऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा ही होता है। इस श्रेणी में कार्बोहाइड्रेट, इस श्रेणी में क्या क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एटीपी, क्लोरोफिल तथा डीएनए इत्यादि इसी श्रेणी में आते हैं। कार्बनिक पदार्थों में इकोसिस्टम के जैविक तथा अजैविक घटकों, जैविक तथा अजैविक घटक के बीच योजक कड़ी का कार्य करते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ क्या करते हैं, इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट है उनके बीच एक योजक कड़ी का कार्य करते हैं। और तीसरा आता है क्लाइमेटिक फैक्टर, जलवायवीय कारक। इकोसिस्टम में जलवायवीय कारक का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जलवायवीय कारक में उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की संख्या को निर्धारित करते हैं। जलवायवीय कारकों में आता है आपकी लाइट, प्रकाश, रेन, वर्षा, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता और टेम्परेचर, तापमान इत्यादि कारक आते हैं। किसमें आते हैं, जलवायवीय कारक। तो ये था आपका इकोसिस्टम का एबायोटिक कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम के घटक कितने तंत्रों से मिलकर बने होते हैं, इकोसिस्टम में घटक कितने घटकों से मिलकर बना होता है, दो, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट की बात अपन ने पहले की थी और अबायोटिक कंपोनेंट की बात आज अपन ने की है। अब आता है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य।
पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। तो कार्य की बात करें, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य सबसे पहले आता है इसमें फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। देखो खाद्य श्रृंखला क्या होती है, ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं हरे पादप पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। उस भोजन को उपभोक्ता ग्रहण करते हैं, फिर उनके मृत्यु के उपरांत अपघटक द्वारा वह अपघटित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार से एक लगातार फूड की एक चेन चलती रहती है। तो खाद्य श्रृंखला जीवों की वह श्रृंखला जिसके अंतर्गत खाने और खाए जाने की पुनरावृत्ति द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसे कहते हैं फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। अब आती है कि टाइप्स ऑफ फूड चेन, खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है। तो खाद्य श्रृंखला के प्रकार है दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार है ग्रेजिंग फूड चेन, और सेकंड टाइप है डेट्रिटस फूड चेन। चारण खाद्य श्रृंखला और अप्रदी खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला और अप्रदी खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन, चारण खाद्य श्रृंखला, जिसे शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। यह खाद्य श्रृंखला पौधों द्वारा प्रारंभ होती है। कहाँ से होती है, पौधों द्वारा प्रारंभ होकर शाकाहारी जंतुओं के माध्यम से, शाकाहारी जंतुओं के माध्यम से मांसाहारी जंतुओं तक जाती है। इस श्रृंखला का क्रम कहाँ से कहाँ तक होता है, पौधों द्वारा आरंभ होकर शाकाहारी जंतुओं के माध्यम से मांसाहारी जंतुओं तक जाती है। इनके ट्रॉफिक लेवल में जो इनका पोषण स्तर है, पोषण स्तर का क्रम छोटे आकार के प्राणियों से बड़े आकार के प्राणियों की ओर होता है। ट्रॉफिक लेवल का क्रम जो होता है, पोषण स्तर के क्रम में जितनी अधिक वृद्धि होती जाती है उतनी ही उनके आकार में भी वृद्धि होती जाती है। इसी प्रकार से सेकेंड आती है डेट्रिटस फूड चेन, अप्रदी खाद्य श्रृंखला, जिसे मृत जीवी खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला मृत जीवों से प्रारंभ होकर, कहाँ से प्रारंभ होती है, मृत जीवों से प्रारंभ होकर सूक्ष्म जीवों के माध्यम से उन जंतुओं तक पहुँचती है जो उनका भक्षण करते हैं। मृत जीवों से प्रारंभ होती है और सूक्ष्म जीवों के माध्यम से उन जंतुओं तक पहुंचती है जहां पर उन जंतुओं का क्या किया जाता है, भक्षण किया जाता है। इस प्रकार की फूड चेन को 1970 में ईपी ओडम ने, अब 1970 में ईपी ओडम ने दक्षिण फ्लोरिडा की
दक्षिण फ्लोरिडा की लाल मैंग्रोव वनस्पति पर, लाल मैंग्रोव वनस्पति पर अध्ययन किया तब इस फूड चेन को समझाया गया। कहाँ मिले? 1970 में किसने बताया? एपी ओडम ने। कहाँ खोजा? दक्षिण फ्लोरिडा की लाल मैंग्रोव वनस्पति पर। इसी प्रकार से नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में। जब फूड चेन हो गई, फूड चेन के बाद में आता है इकोलॉजिकल पिरामिड। सेकंड आता है इकोलॉजिकल पिरामिड। पारिस्थितिकीय स्तूप, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो निम्न स्तर में आते हैं उत्पादक। कौन आते हैं निम्न स्तर में? प्रोड्यूसर। और उच्च स्तर में ट्रॉफिक लेवल की बात करें पोषण स्तर की, तो उसमें आते हैं अपने उपभोक्ता, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। उत्पादक तथा उपभोक्ता को एक निश्चित क्रम में खाद्य श्रृंखला के आधार पर एक पिरामिड के रूप में व्यवस्थित किया जाए। किस प्रकार से? एक पिरामिड के रूप में इनको व्यवस्थित किया जाए। तो इस प्रकार के श्रृंखला को इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिकी स्तूप कहते हैं। निश्चित संख्या है, सबका क्रम एक निश्चित होगा। जैसे उत्पादक है कंज्यूमर्स, उत्पादक प्रोड्यूसर, जितने भी ग्रीन प्लांट्स अपने, वही क्रम होगा। जैसे उत्पादक है प्रोड्यूसर, इसमें क्या आएंगे अपने ग्रीन प्लांट्स, जो भी पेड़ पौधे हैं इनको कौन ग्रहण करेगा? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन आते हैं? और प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन आते हैं? गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, यही आते हैं। फिर इनको कौन ग्रहण करेगा? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में क्या क्या आते हैं अपने? द्वितीयक उपभोक्ता में मेंढक, कुत्ता, लोमड़ी, सांप इत्यादि। इसी प्रकार से इनको कौन ग्रहण करेगा? हायर कंज्यूमर। तृतीयक उपभोक्ता में शेर, चीता, भाव। अब इसी सिस्टमेटिक क्रम को, उत्पादक और उपभोक्ता के क्रम को एक पिरामिड के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो इनको इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिकीय स्तूप कहा जाता है। इकोलॉजिकल पिरामिड की अवधारणा सबसे पहले दी थी चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक ने। किसने दी थी? चार्ल्स एल्टन ने। इकोलॉजिकल पिरामिड की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? चार्ल्स एल्टन ने। इसलिए इन्हें एल्टोनियन पिरामिड, क्या बोलते हैं इनको? एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो है पारिस्थितिकी स्तूप की अवधारणा किसने दी? चार्ल्स एल्टन ने। इस कारण इन्हें एल्टोनियन पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं कि पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला है संख्या के पिरामिड, सेकंड है जैव भार के पिरामिड, और तीसरा है ऊर्जा के पिरामिड। तो पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। संख्या के पिरामिड,
पिरामिड ऑफ नंबर्स, सेकंड है पिरामिड ऑफ बायोमास और थर्ड है पिरामिड ऑफ एनर्जी, जिनकी विस्तृत व्याख्या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।